जय हिंद साथियों, आप सभी को यह है मार्कोस टीम गांधी मैदान पटना की। आप सभी अभ्यर्थी डरे होंगे, घबराए होंगे बिहार पुलिस के एग्जाम को लेकर। अभी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि पास कैसे किया जाए, धक धक चल रही है उनके सीने में। ये साथियों, एग्जाम से पहले बहुत सारी सावधानियों को बरतने के लिए वीडियो बनाया गया है। एग्जाम से पहले आप किन बातों पर ध्यान दें और इस चीज़ को एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लें कि आपको आगे जो रणनीति है ऐसे ही बनाना है। एग्ज़ाम से पहले रणनीति बनाना, एग्ज़ाम से पहले कोई मिस्टेक ना हो उस पर ध्यान देना, और आप कैसे एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएँ, ये सभी चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी, बात की जाएगी। बिहार के उन सभी भाइयों को जो गांव से बिलोंग करते हैं, सभी को सबसे पहले मार्कोस टीम की तरफ से जय हिंद। क्योंकि आप सभी गांव में दौड़ के, लगातार पढ़ के और बिहार पुलिस बनने का जो सपना देख रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ़ है। आप बिहार पुलिस में जा रहे हैं, आप देश सेवा में जा रहे हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप साथियों, पटना में आप देख पा रहे हैं इतना ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर से लार्ज अमाउंट में तैयारी करने आता है। सबसे ज़्यादा बिहार में अगर स्टडी का हब है तो वो पटना है। यहाँ अभ्यर्थी आते हैं और मेहनत करके एक छोटा सा रूम में, और ऐसा रूम होता है कि बहुत स्मेल करता है, छोटा रूम, बाथरूम में सही तरीके से अभ्यर्थी बैठ नहीं पाते हैं, और फिर भी सपना देखते हैं दिल में कुछ अच्छा करने का और अपने गांव समाज का नाम रोशन करने का। तो उन सभी अभ्यर्थी को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करूंगा और बहुत सारी मिस्टेक है उसको नहीं करने के लिए बताऊंगा। सबसे पहले मोटिवेशन में यह है कि जो होगा सो देखा जाएगा। एग्ज़ाम है आपकी 1, 7 और 15 को, जो होगा देखा जाएगा, जो इस किस्मत में लिखा होगा और जितना तुमने मेहनत किया होगा उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना अपने दिमाग में, टेंशन लेने वाले कायर होते हैं, मर्द की तरह जियो। जो होना होगा, जो भगवान को मंजूर है वही होगा। इसलिए एकदम टेंशन फ्री रहिए और एकदम तैयार रहिए 24 घंटा, कोई प्रेशर नहीं। होगा तो होगा, नहीं होगा तो बाबूजी का खेत है ना, खेत में है बाबूजी का, क्या जो देंगे 5 बीघा खाएंगे रेल के, खाने पीने के लिए घटेगा जी, नहीं घटेगा। और इसका बाबूजी का नहीं है वो ठीका लेकर जोतेगा, 10,000 रुपया लगता है बीघा लेने में, खेती करेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठाट से खाएगा। कभी भी कायर की तरह सीना चौड़ा करके किसान भी बनेंगे तो सीना चौड़ा करके ही बनेंगे। और साथियों, अगर आप सभी दिल से ये चाह लेंगे ना कि हो जाएंगे तो वो भी नामुमकिन नहीं है, डेफिनेटली हो जाएगा। बिहार वार पुलिस में रिजल्ट देना कोई बड़ा बात नहीं है बाबू। आज के समय में पहले आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लड़के इसमें आए हैं डाइवर्ट होके, जो पहले बोलते थे हम बिहार पुलिस को देखना नहीं चाहते हैं, कभी फॉर्म नहीं भरते हैं उसका। अंततः CGL के बाद बिहार दरोगा के बाद बिहार पुलिस, अब होम गार्ड भी उनके दिमाग में आएगा, इतना बेरोजगारी हो गया है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपको इसको पास करना आपकी मजबूरी है, और अगर मजबूरी नहीं है तो आप एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ लें कि आपके परिवार की मजबूरी, अगर आपकी मजबूरी नहीं है या तो आप कस के दम लगाइए और नहीं तो छोड़ दीजिए, आर या पार का समय आ चुका है। लेकिन टेंशन नहीं लेना, आप इस बात को दिमाग में बैठा लें। और सावधानी क्या है कि आप अपने एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, बहुत ऐसे घटना अंदर आप घटा देते हैं आंसर शीट में कि आपका कॉपी चेक ही नहीं होता। जैसे आप अपना नाम लिखने में, रंगने में गलती कर देते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आप डिफॉल्टर हो जाओगे, आपका मतलब जो आंसर शीट है वो कैंसिल कर दिया जाए, नाम में बबल्स में गलती हो जाए या रोल नंबर डालने में गलती हो जाए तो आप उस एग्ज़ाम के लायक नहीं हो, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, चाहे आप 100 में 100 क्यों नहीं मार के आए। तो उसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और बॉल पेन लेके जाइएगा, ब्लैक या ब्लू दोनों से आप रंग सकते हैं अच्छे तरीके से, और आधार कार्ड एकदम सही। ये ऐसा नहीं हो कि आधार कार्ड हाथ में रखें, टेम्पो से उतरे, आधार कार्ड गिर गया, आप आधार ही कार्ड खोजिए, 2 घंटा खोजिए थी आधार कार्ड, गलत बात है ना। टेम्पो से उतरे या 2 घंटा आधार कार्ड खोजिएगा तो उतना देर में हमारे एग्ज़ाम में आपको एंट्री भी नहीं देगा, तो आप इसको कैसे समझेंगे। तो आपको इसको आधार कार्ड अपने पर्स में रखिए,
लड़कियां आपने बैग में रखी और अंगूठे में बांध दीजिए पर्स वाला, एकदम स्ट्रिक्टली वो आपका लाइफ का बात है। अच्छे से जाइए और मन मना के जाइए एकदम, और अच्छे से भरिए। तो अभी आप लोग क्या है, प्रेशर ले रहे हैं, बाप रे रिजल्ट का पैसे होते हैं, आपस में मध्य आ रहा है तो बोल रहा है अमर तो मौसा हथीन तो बोल रहा है अमर नाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो जीवन की सच्चाई है उस पर बात करिए। आप एकदम निश्चिंत होके ये सोच लीजिए कि 15 दिन में आपको कुछ नहीं करना है, खाली दौड़ना है, अब पढ़ना है, दौड़ना है एक टाइम, ऐसा नहीं है कि नहीं दौड़ना है, दिन भर पढ़ना है। और दिन भर पढ़ने के बाद ये भी बता देते हैं कि शाम में भी आराम से घूमिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में प्रेशर लेके कोई काम नहीं होता है। दिन में पढ़िए, यहाँ जाइए 12 बजे तक एकदम थर्ड से सोइए, 12 बजे उठिए, 4 घंटा पढ़िए, 4 घंटा अगर जो मन से पढ़ लेगा ना तो दरोगा बन जाएगा, 4-5 घंटा। शामों में आराम से घूमिए टहलिए, जूस वूस पीजिए, दिमाग फ्रेश होगा, फिर रात में 2-3 घंटा पढ़िए। अब बताइए दिन घंटा जो पड़ेगा 6-7 घंटा, समझ रहे हैं? तो इसको मेहनत करना है और सही वे में ले जाना है। साथ में आप रिजल्ट लाएंगे और सावधानी बरतेंगे और इन सब बातों पर विशेष ध्यान देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।